50% ऑफ में लगे हैं, सोनिया को नहीं दिखाऊंगा। अरे हाथ बाद में सा... तेरी बड़ा सा गमला लेके आया भाई इतनी दूर से, पकड़ो भाई तुम्हारी है इसके। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शौर्य। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कहाँ आया? सुबह सुबह घूमने आया, बाहर घूमने लेके आया अपनी मम्मी को बाहर सुबह सुबह। ओए होए, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छी वाली। आजकल धूप बहुत अच्छी निकलने लगी है सोनिया, डेली निकलने लगी है ना। बारिश तो होती है लेकिन सुबह सुबह धूप निकल जाती है, ये बात तो है। तो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द व्लॉग। ये नए नए फूलों को देख रहे हैं सुबह सुबह दोनों माँ बेटे। अच्छा मत दो भाई, तुम मत दो। प्यार नहीं दो, ऐसे जूते क्यों पहनाए मेरे को? इसको पहनने दे क्रॉक्स, जानू जी देखो मम्मी कर रही है। दिखा रहा हूँ मैं सबको। तो भाई मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ये यहाँ इसकी सुबह सुबह मस्ती चलने में लगी हुई है। और जल्दी आजकल दिल जल्दी निकल जाता है, दिन पता कितने बजे निकल जाता है? अब 5 बजे तो नहीं, 5:30 बजे करीब सन निकल जाता है, 5:30-6 बजे करीब शायद। तो अभी आगे आगे 4 बजे भी होगा, 3:30 भी होगा, मस्त। ओ मजे आ रखे हैं। शौर्य मत कर, अरे चल चलते हैं गाड़ी में बैठते। चलो जो मैं शौर्य को लेके जा रहा हूँ, शौर्य की फुटबॉल क्लास है। ऐसा कह रहा है मेरे फोन को टच मत, उसको जूतों को मत टच कर। सारी बातें पता अभी वो मैं उसको बुला रहा हूँ ना बैठने के लिए, आ नहीं रहा। जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो मुझे लगता है वो भागा भागा आएगा, उसे लगेगा कि कहीं जा रहे हैं पापा। देख रहा है गाड़ी को लेकिन आ नहीं रहा, अभी भी नहीं आ रहा, सिर्फ देख रहा है पीछे से। दिख रहा हो ना तो वहां पे कहाँ दिख रहा है, वो रहा ये खड़ा, ये रहा, तो देख रहा है लेकिन आ नहीं रहा, अभी भी सिर्फ देखने में लगा हुआ है, ऐसे एक्साइटमेंट वाला आ नहीं रहा। उसको ये लग रहा है कि भाई अब मुझे जाना पड़ेगा, उसे सुबह सुबह होता है कि मुझे ना बाहर घूमना है। जैसे ही उठेगा ना, जैसे ही उसको नीचे आएगा, नीचे आके कहेगा कि मुझे बाहर लेके चलो। शायद नेचुरली है ना, भगवान हमारे शरीर में इस तरह से बनाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि उठने के बाद सुबह सुबह की बाहर रोशनी लेनी चाहिए, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है वो, और आपके ब्रेन को अवेक कर देती है, क्योंकि बॉडी को पूरा आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है ना उसको अवेक करने के लिए सुबह की जो रोशनी है ना वो जरूर पड़नी चाहिए। तो बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं तो बच्चों को चीज पता होती है। हेलो, क्या हाल है आपके? गुड। चलो गेट बंद कर दो, पापा जिम जाके आ गए। और यहाँ पे यशिका मेरे साथ ही आई है, यशिका दूसरे डोर से घुस गई। शौर्य ये क्या मचाया हुआ है तूने घर का हाल? ये देख लो भाई, ऐसा रहता है, इसकी गाड़ियां जो है यहाँ पे होनी चाहिए, कभी इस वाली गाड़ी पे बैठ के दिखा रहा है, देख दिखा भी रहा है। किस तरह बिजी करोगे, या तो फिर मुझे फोन दे दो या टीवी दिखा दो, बच्चों को ऐसे ही बिजी कर सकते हो, या फिर ऐसे गिराने दो मेरे को सब कुछ। अभी तो फिर भी ठीक कर दिया हमने, पहले तो वो जो पापा की जितनी ग्रीन टीज थी वो सारी यहाँ थी। अच्छा, उस ड्रॉअर का सारा सामान बाहर था, वो तो अभी हमने टाइडी अप किया है मिलके। ये तो अभी फिर मैंने इसको बुलाने के लिए मैं छोटे अपने लोगों लेके आया, गाड़ी लेके आया, तो पहले एक गाड़ी लेके आया, फिर मैं जा दूसरी भी लेके आया, फिर दूसरी लेके आया, मैं जाओ एक और लेके आया, तब लेके आया, बिजी रहता है उसमें। अच्छा, ऐसे बिजी करते हो अपने बच्चे को? और क्या, ये तो उठाया जाएगा कोई नहीं, 2 मिनट का काम है। ओके, और ये यहाँ पे क्या बन रही है? कुछ स्पेशल सब्जी दिख रही है, अरबी, आलू के जैसे अरबी, अरबी की सब्जी बन रही है भाई मेरी। अरबी की सब्जी में पानी डलता है? थोड़ा सा। बिल्कुल थोड़ा सा। भाई बताना आप लोग कैसे बनाते हो अरबी की सब्जी, अगर कोई बनाता है तो। अरबी की सब्जी कुछ इस तरह से है। तो मौसम अगर मैं दिखाऊं, काफी दिन हो गया यार मौसम का हालचाल नहीं दिया आप लोगों को, तो मौसम का हालचाल कुछ ऐसा है। सुबह इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, अब धूप दूर दूर तक दिख नहीं रही है। अभी हम बस जिम जाके आए हैं, बस थोड़ी देर में, इतनी देर में ही धूप चली गई है। अब ये यहाँ पे टाइम आ चुका है यहाँ पे लगाने का, तो अब हम जो भी है इसको सफाई करते हैं और अगले 2-3 हफ्ते में यहाँ पे लग जाएंगी सब्जियाँ। और ये हमारा मिंट देखो, मिंट ये पूरा मिंट से भर जाएगा, अभी यहाँ से शुरू हो गया इस तरफ आना, बीच में मिंट काफ़ी सारा उग गया देखना। अभी ये ऐसे दिख रहा है, अब थोड़े दिन में देखना 1-2 महीने में ये पूरा मिंट से भर जाएगा।
और यहाँ पे हरियाली अलग ही होगी। अभी घास कटने हैं, मुझे लगता है आज घास काट देनी चाहिए, गीला है ना, जब मिट्टी गीली होती है ना तो फिर कटती नहीं, क्योंकि बारिश वारिश हुई थी, कल भी काफ़ी बारिश हुई थी। और इस तरफ ही हमारे प्याज जो हैं, प्याज देखना कितनी सही है, हमारे प्याज और क्या मस्त, इनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहते हैं। और उसमें ये तो घास है भाई, ये प्याज मत समझ लेना। मिंट कुछ हमारा यहाँ पे भी है, ये देखो ये बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये शिका है ना, थोड़ी सी अपसेट हो रही है, क्योंकि ये शिका की ये चैन है ना, ये बैग की, ये टूट गई। शिका लेकिन ये टूटी कैसे, ये इसकी ये चैन बाहर निकल के हाथ में आ गई ये शिका की। और ये शिका जब मैं आया तो ये शिका इसमें लगी हुई बेचारी, परेशान हो रही, कह रही पापा ये कैसे लगेगी, इसके अंदर इसके जूते हैं, तो इसको ये टेंशन हो रही थी कि अब मैं जूते कैसे निकालूंगी, कैसे निकालूंगी अब जूते, पता नहीं पहले ये फिक्स करना पड़ेगा। ओके कहाँ चले, सो लिया लड़का, सो के उठ भी लिया, सोनिया गई हुई थी कहीं तो मैंने पीछे सुलाया था, पता कितनी देर में सुला दिया मैंने इसको, सिर्फ 5 मिनट्स में। ये नहीं पहनूंगा बेटा मैं, चल ये पहन के चलता हूँ यार, गर्मी भी है ना। सुबह बहुत अच्छी वाली धूप निकली हुई थी, फिर दोबारा से बादल हो गए थे, बारिश का मौसम हो गया था, लेकिन अब फिर दोबारा से बहुत ही प्यारी वाली धूप निकल गई, तो हम बाहर जा रहे हैं, जैसे कि समर का टाइम शुरू हो चुका है, तो आप लोगों को पता है हम कहाँ जाते हैं समर्स में, समर का टाइम शुरू है शोर रहे, तेरे को पता है क्या करते हैं समर्स में हम, सांगवान फैमिली क्या करती है, नहीं तेरे को नहीं पता, नहीं तेरे को पता क्या है, समर में हम करते हैं भाई बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, गार्डनिंग वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और ये बेहतरीन वेदर के साथ हमारी सवारी निकल चुकी है, कहाँ जा सकता है सांगवान परिवार जा सकता है ऐसे मौसम में, सीधा सीधा प्लांट नर्सरी पे देखने के लिए कि कौन से नए प्लांट्स आ गए हैं, प्लस खाद वाद जो हम चाहिए, क्योंकि ज्यादातर टाइम अब हम आपको मिलेंगे गार्डन में। ये बहुत अच्छा टाइम होता है समर्स का, ये गार्डन में हरियाली होती है, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब कुछ लगे। आपने देखा एप्पल पे इस साल वो आ गए, फ्लावर्स आ गए, एप्पल पे आएगा, हाँ एप्पल पे फ्लावर्स आ गए, पेयर्स पे आ गए, पेयर्स पे तो काफी सारे फ्लावर्स हैं। तो अभी हम चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं साथ में नर्सरी पे। तकड़े वाली भीड़ है भाई, है ना, पार्किंग सारी फुल ही पड़ी है, हमारे साथ वाली में गाड़ी थी अभी गई है निकल के। ओए तेरे को बोट पे घुमा के लाएंगे शोर रे, तू पैदा हुआ है तूने बोट देखी है क्या अभी तक, दीदी ने तो देखी हुई है वहाँ पे है, ये शिका गोदी लेके चलेगी भाई, कैसा लग रहा है, तेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और आधा तू रख लेती है, पापा मेरे तेरा पति क्या रखता है। अच्छा चलो अब हम लेके चलेंगे यहाँ पे, क्या है ये गार्डन सेंटर बोलते हैं इसको, यशिका रुको 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 रुको, मैं उठ निकालता हूँ इसको, देखने आए ना हम, ये लेने आए हैं, तीनों माँ बेटे साथ में पुश करते हुए जा रहे हैं, भर के लाएंगे। तो ये है गार्डन सेंटर, मैं थोड़े थोड़े आपको प्राइस वगैरह भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह का प्राइस होता है, जैसे अगर ये देखा जाए ऐसे ही बर्ड के पानी वानी के लिए इसका प्राइस है 50 पाउंड, इस तरफ चिड़ियों उड़ियों के खाने वाने के लिए जो यूके से है यार वो भी वैसे देख लें, लाइक कर दें वीडियो को, 3 पाउंड का है, इसमें क्या है अलग अलग दाने हैं, बहुत तरह के फूड है, पेट बर्ड फूड है। ये इस तरफ लड्डू लड्डू बनाए हुए हैं, गूंद के लड्डू नहीं है जो हरियाणा से कभी वो सोचे, ये बर्ड्स के लिए भाई, बर्ड्स खाएंगे अपने उसमें गैरेज में है काफ़ी सारे, देखना फ्रेश फ्रेश लड्डू हैं। इस तरफ ये इनका ये जुगाड़ है, इसमें वो लड्डू डल जाते हैं, या फिर ये डाल दो और फिर इनको टांग दो। और ये यहाँ पे शोर रहे पूरा, ओए ओए व्हाट आर यू डूइंग, शोर रहे पूरा घूम रहा है, पूरा घूम के देख रहा है, शोर रहे के लिए मजे हो गए ना, शोर रहे को ऐसी चीज़ें पसंद है जहाँ पे एक्सप्लोर कर सके, घूम ले फिर ले, चला लेंगे बेटा ये हम चला लेंगे, तू अपने देख एक्सप्लोर करके देख। उधर यशिका फूल देख रही है, यशिका को कौन से फूल लेने, तो मैं आप लोगों को इस तरफ लेके चलता हूँ, ये वो इतने उस तरफ घूम लेंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है, गमले वगैरह क्या रेट है, जैसे कि यहाँ पे तो काफ़ी तरह के हैं, स्पेशल ऑफर 50% ऑफ में लगे हैं, सोनिया को नहीं दिखाऊंगा, सोनिया को दिख गए ना तो ले जाएगी गमले, तो इसलिए हम ये यहीं पे चुपके से देख लेते हैं। अच्छा 50% ऑफ के बाद भी 7 पाउंड के हैं, 7 पाउंड का ये गमला है, 700 रुपये का। छोरे कम 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 कम, ये मेरे पास ही आ गया वापस भाग के,
ये बड़े बड़े टब हैं और गमले फिर इस तरफ हैं, महंगे महंगे हैं भाई बहुत ज़्यादा गमले। तो ये कितने का है? ये है 25 पाउंड का। ये बंदा देखो रिस्पॉन्सिबल मैन है भाई, ये देखना बिल्कुल ट्रॉली के पास खड़ा है अपनी। ये ले पर्स भी रख देता हूँ, संभाल लेगा तू तेरी मम्मी का पर्स? अबे मैंने पर्स रखा तो मेरा पर्स निकाल दिया इसमें, बोले तूने कुछ क्यों रखा इसमें? प्लांट्स रखेंगे ना इसमें तो, है ना? ओ भाई शौर्य, बस इतनी मेहनत मत कर, हम कर लेंगे, चला लेंगे इसको। फ्लावर के कुछ वो हैं, इसमें अलग अलग फ्लावर निकलेंगे, जैसे इसमें से फुचुसा ट्रेलिंग 7 पाउंड के हैं, 4, एक है 185 का। इसका अगर 185 का एक है तो दो कितने के हो गए? मैथ्स लगाओ। जैसे शौर्य ने भी अपना गमला ले लिया कि ये फ्लावर ये लगाएगा। शौर्य डॉगी से मिलना है, चलो आ जाओ। हेलो करना, यू वांट टू से हेलो? शौर्य की ड्यूटी लगा दी अब सारे गमले यहाँ रखने की। शौर्य अपने हाथ चेक कर रहा है, गंदे हो रहे। अरे हाथ बाद में सा... हाथ गंदे हो गए शौर्य के। कम ऑन गुड बॉय। नो इट्स ओके, हाथ गंदे नहीं है ज्यादा, ठीक है कर देंगे बाद में। यहाँ पर शौर्य पापा की हेल्प कर रहा है। शौर्य आप पापा की हेल्प कर रहे हो प्लांट्स पुश करने में? वाटर करके चल रहा है और हमने अभी बहुत सारे फ्लावर्स लिए हैं अभी तक। तो तेरी बड़ा सा गमला लेके आया भाई इतनी दूर से, वेरी गुड बॉय। जाओ और लेके आओ, पूरा लिया है, देखना पूरी हेल्प कर रहा है। गुड बॉय गुड बॉय। प्लांट के वहां से दोनों, ओए कहाँ चल रहा है अब ये दोनों बच्चों को लेके जा रहे हैं पार्क में। आज तो इनके मजे करती रहे, आज तो इसी मम्मी के मजे करती है, पहले प्लांट्स वाली जगह पे ले गया, आज तो तुम्हारे पापा ने भाई मम्मी बेटा सबके मजे कर दिए, सबके मन पसंद जगह पे लेके जा रहा हूँ आज मैं। आसमान देखना सोनिया कितना सही लग रहा है। 3 1 मैं क्यों तू तू हाथ नहीं नहीं उधर से जाएंगे, अबे उधर जाएंगे देख वो उधर गए मम्मी और उधर चलेंगे। इसको भी है ना ये है कि अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करनी है, मतलब सेम रास्ते नहीं चलना। मजा आ रहा है? नहीं नहीं कह रहा तू इधर आ, तेरा मतलब है मुझे। अच्छा ये अब अपनी हेल्प मांग रहा है कि मुझे इस पे चढ़ाओ। मजे और ये सारे झूल के कमन कमन शौर्य चोरी मजे आ रहे हैं, तेरे को भी दोगे झूले? शोरे देख रहे हैं। शोरे खुश और क्या, बिल्कुल इसको अच्छे लग रहे। बस बस एक्साइटमेंट, लड़के लड़के मौज हो रही है। ये शिका अपने फ्रेंड के साथ अद्वित के साथ लगी हुई है। तो दो शौर्य को, शौर्य तेरे साइज का, शौर्य को तो देखो, शौर्य के साइज की ट्रॉली मिल गई हमें यहाँ पे। अब घूम फिर के पार्क में घूम के अब ये आए हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग। आइसक्रीम लेने आएगा तुम? और नहीं इधर नहीं है आइसक्रीम। हम यहाँ पे आइसक्रीम देख रहे हैं कौन सी लेनी है, और वो लड़का वहाँ बैठ के कभी उठ रहा है कभी बैठ रहा है। ये लो ठीक है, जो आपको अच्छी लगे वो ले लो। अपना सामान लेके निकलता हुआ शोर है, किसी को नहीं दे रहा आइसक्रीम तो बेटा ये देगा नहीं, मुझे लगता है देगा। पकड़ो भाई तुम्हारी आइसक्रीम, मैं नहीं उठाऊंगा। बाहर तक ले आया, अब तुमने मजाक ही बना लिया मेरा। घर पे आए, घर पे आने के बाद भाई बहुत खेला शौर्य, बहुत ही ज्यादा मस्ती करी उसने, मस्ती भी क्या करी हद की। और उसके बाद डिनर विनर किया, डिनर करने के बाद अब क्या हुआ है, डिनर करके सो चुका है शौर्य। तो शौर्य और यशिका अपने रूम में बुक्स पढ़ने में लगी है, ये यहाँ पे करने में लगी हुई डिनर। मेरा अभी मैंने एयर फ्रायर में रखा है ना, एयर फ्रायर में रखा हुआ है, एयर फ्रायर से अभी निकालूंगा तो करूंगा। और बाकी और क्या अब क्या करना है इसके बाद? अच्छा कल का जो टास्क होगा वो तो कल वाले ब्लॉग में बताएंगे ना, तो आज कुछ और है जो अभी हमें करना है, जो टास्क ऐसा है जो तेरा रह गया हो। आयरनिंग है वैसे करनी हो तो। आयरनिंग खत्म ही नहीं होती, किसी का कमेंट भी आया था क्या सोनिया कितने कपड़े आयरन करती हो सारा टाइम?
पता नहीं अब बहुत ही हो जाते हैं, हर हफ्ते हो जाते हैं। एक तो कपड़े इतने धुलते हैं यार, इतने कैसे हो जाते हैं, इतने आयरन होते हैं। अभी भी आप देखो ना, शोर्रे के ज्यादा है, सारे कपड़ों में अगर देखो ना, शोर्रे के सबसे ज्यादा कपड़े दिख रहे हैं मुझे सामने। शोर्रे के हैं, यशिका के भी हैं। अब तो चलो स्कूल की छुट्टियां थी तो इसलिए स्कूल के नहीं हो रहे थे, लेकिन यशिका के भी हो जाते दिन में दो बार। शोर्रे के कपड़े काफी हैं, दिन के तीन जोड़ी हो जाते हैं इस तरह करके। मेरे सबसे कम मुझे लग रहा है इनमें सब में, नहीं जो आयरन करते हैं तो घने हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो जाते हैं दूसरे वीडियो बनाने के लिए, दूसरे पहनता हूँ तो सोनिया को लगता है कि भाई ये गंदे हो गए हैं, एक्चुअल में वो गंदे नहीं होते हैं, तो इस चक्कर में रहता है। तो यही है, अब मैं अपना डिनर करता हूँ और डिनर करने के बाद सोते हैं, कुछ और करना होगा। और चलो कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।